ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के भाषण पर आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने एक बयान में कहा कि भाजपा के शासनकाल में प्रदेश का विकास नहीं हुआ। जगदलपुर पहुंचे आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा केवल बेतुकी बयानबाजी करती है, जबकि वह पेट्रोल डीजल और गैस के दामों में कमी लाने और साल में 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी देने की बात नहीं करते। वहीं मंत्री लखमा ने कहा कि नक्सलवाद की शुरुआत तो भाजपा की ही देन है। ये नड्डा जी पहला पर ऊपर आया, ऊपर देखा, रमन सिंह के राज में 700 गांव काली हुआ, 300 गांव जल गया, 1000 लोग पलन किए। इस बारे में बोलने का अधिकार नड्डा को ना, रमन सिंह को। डीजल का, पेट्रोल का रेट का कुछ बोला? महंगा के बारे में कुछ बोला? 65 साल में हमारे कांग्रेस का राज किया। गैस का रेट 400 रुपया, अभी 1200 हुआ, इसके लिए बोला? आप बेरोजगारी के 2000 लोगों को रोजगार देंगे बोला? आज रमन सिंह को बोलो, नारायणपुर से दंतेवाड़ा बस जा रहा है, छोटे डोंगर से ओरछा से बस चल रहा है बस। अभी कुछ दिन के बाद देखो, दुर्नापाल से बीजापुर अभी भी कुछ गाड़ी का फार हो रहा है, यही जाल बिस्तरा है। हमारा जयगुरगुंडा से तुम्हारा नकुरनार तक गाड़ी जा रहे हैं, मुर्गा बाजार लोग जा रहे हैं, 8000 लोग कर रहे हैं, 10000 राशन कार्ड सुकमा जिले में बट रहा है, आधार कार्ड नहीं बांटने वाले आदिवासी विरोधी लोग, आरक्षण को दबाने वाले लोग, आदिवासी का आरक्षण 32% को उनके रमन सिंह के पेट में दबा के रखा है। ये बस्तर के बारे में बोलने का रमन सिंह को अधिकार ना, नड्डा को है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।